नमस्कार दोस्तों, 89.6 FM सीकर से मैं हूँ आरजे रामा, कैमरामैन पवन सोनी के साथ। दोस्तों आज हम आए सीकर के रेलवे स्टेशन और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है। आपको बता दें कि ये भीड़ अली एसम के स्वागत के लिए आई है। जी हाँ, वही आकाशदीप स्कूल के स्टूडेंट अली एसम, जिन्होंने अपने आवाज़ का जादू GTV शो सारे गम पर लिटिल चैंप्स में बिखेरा है और फिर इनकी आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी हो गई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ आकाशदीप स्कूल के बच्चे, स्टाफ और भी शहर के लोग मौजूद हैं। और दोस्तों अब अली एसम का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि अली एसम यहाँ पहुँच चुके हैं। सभी लोग उनको देखकर खुश हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ है उनके स्वागत के लिए। कितना खुशी का मौका है ये आप इनके चेहरे ही देखकर समझ सकते हैं। डाल दो साइड पे, जाओ आप। इनकी अच्छी आएगी साइड से। हेलो भैया, अच्छा ब्रेक, एक मिनट रुक। ऐसा भाई, आपने सीकर का नाम रोशन किया है, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और मैं बालक सारे गुणों का में आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया और मैं वहाँ तक गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव रहा आपका इतने दिन आप अपने परिवार से दूर रहकर, तो आपका परिवार से दूर रहा, थोड़ा मिस किया इनको, बट मज़ा आया उधर। थोड़ा मतलब कुछ सीखने को मिला। सबसे अच्छी चीज़ थी कि लर्निंग मिली वहाँ पर, सबसे अच्छा मैंने सीखा। और जो वहाँ पर मुझे लोग थे, उन्होंने मुझे कुछ बातें सिखाई कि ये चीज़ें करनी होती है, इनसे हम सीखते हैं। आपको लगता है कि इसके बाद आपके जीवन में कुछ और बदलाव आएगा? जी हाँ, उन्होंने मुझे इतना सिखाया, मैं जो उन्होंने सिखाया मैं उन बातों को करूँगा, उनको कोशिश करूँगा करने की, तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल। आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, आप मुंबई में सारेगामा पर लिटिल चैंप्स तक आप पहुँचे, आप इस पूरे जो जर्नी है इसका क्रेडिट आप किन लोगों को देना चाहेंगे जिन्होंने आपका साथ दिया है अब तक इस यात्रा में? मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले मेरे पापा को और पंकज सर, और मैं जो भी मतलब जिन्होंने मुझे स्कूल, मेरी स्कूल आकाशदीप पब्लिक स्कूल, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। और सीकर जी ने आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया सीकर जी से, तो मैं आप सभी को क्रेडिट देना चाहूँगा। वेरी गुड जी, आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ सारेगामा पा लिटिल चैंप से अपना बच्चा जो आ रहा है बहुत काफ़ी कुछ सीख के आ रहा है। और सारेगामा पा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसको उस मंच पे, इतने बड़े मंच पे, जो भारत का जो सबसे बड़ा मंच है उस पे जाने का इसको मौका दिया। और सबसे मेन चीज़ हमारे जो स्कूल है आकाशदीप, जो पंकज सर है, शंकर सर है, सब ने इसका बहुत मतलब साथ दिया। और मैं और भी आगे मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप लोग सीकर से, अपने राजस्थान से, पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से काफ़ी एशम को बहुत प्यार मिल रहा है और हमेशा बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे बच्चे को। आप लोगों का आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे और ये आगे से आगे अपना नाम रोशन, अपने भारत का, अपने राजस्थान का, अपने सीकर का, अपने दूसरों गांव का, उसका नाम ऊंचा करता रहे, अपने स्कूल का नाम ऊंचा करते, पूरे देश का नाम ऊंचा करता रहे। बस ये बस लोगों से थैंक यू। बच्चे ने पूरे सीकर का, राजस्थान का और देश का नाम, स्कूल का नाम रोशन किया। हमारी जितनी भी हेल्प होगी वो हम से जो बन पड़ेगा वो करेंगे और ऐसे आगे बढ़ता रहे और अपना परिवार का, समाज का और पूरे भारत का, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, तहे दिल धन्यवाद करूँगा अपने स्कूल मैनेजमेंट का और सारेगामा लिटिल चैंप्स का कि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म निकाल के लाए कि अपने छोटे छोटे गाँवों से उस तर्ज तक बच्चों को निकालते हैं। तो GTV को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग कई दिन से कॉल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और बच्चे को बहुत सपोर्ट मिला आपने सीकर की तरफ से। हमें जब भी मुंबई से कोई फ्रेंड्स का या कोई कॉल आता तो कहते हैं सीकर का सर इसका रिव्यू, जो प्रीव्यूज़ है मिलियंस में, मतलब कि जब घंटे पर मैं इसका एक वीडियो डलता तो मिलियंस में इसके लाइक्स आने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडियाकर्मी का, सीकर
सीकर संदेश का, अब तक के जो भी लोकल चैनल है यहाँ पे, उन सब का धन्यवाद कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, बच्चे को एक लोकल एरिया के अंदर जाना गया और वहाँ तक आवाज़ गई मुंबई तक कि इसका जब भी वीडियो डालते हैं तो इसके प्रीव्यू आते थे, वो भी लास्ट में आते थे। आपने देखा होगा जितने भी शो हुए हैं उसके अंदर इसका लास्ट में शो दिखाया जाता है कि इसका रिव्यू जो टैग है वो सबसे हाई था। तो धन्यवाद इस प्यारे बच्चे को और हमारे मैनेजमेंट को, शंकर जी और रामरतन जी को, जो एक तहे दिल से इन्होंने हीरे को तराशा। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।